अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है काश फैमिली वाइब्स। और आज मैं आपको दिखाती हूँ, आज सैटरडे था और आज ऑफ था काम से। लेकिन जिस दिन काम से ऑफ होता है तो घर में इंतहा का काम होता है। और ये देखें भी आप, हर तरफ देख सकते हैं कि कपड़े 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 हर तरफ हैं। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि मैं आज जो है ना, सर्दियों के सब कपड़े जो है वो निकाल रही हूँ और गर्मियों के रख रही हूँ। तो ये देखें, हर तरफ आपको यही नज़र आएंगे। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि ना, मैं सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करूँ, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं और उसके बाद टाइम नहीं होता कि मैं चीज़ें कर सकूँ। हाँ, ये आपने कब पहना था, ये आपको याद है? ना ये हाला शम्मा की शादी में पहना था आपने, तो ये अभी याद बहुत छोटा हो गया, अब इसलिए मैंने निकाल दिया। बिल्कुल न्यू है, आपने सिर्फ एक ही दफ़ा पहना था। लेकिन चले, हम जो है ना, ये इसके साथ वो कोट भी था ना, वेस्ट कोट था ना इसके साथ। वो मुझे प्यार लगा, वो कहाँ है? तो फिर जो है वो, आज मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, इंशाल्लाह हम इसको भी कंटिन्यू रखेंगे, तो हमारे साथ ही रहिएगा। तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाने लगी हूँ, ये देखें जी, ये है मेरी शर्ट और ये मेरी शादी के दिन की है, मतलब जब मेरी मेहंदी हुई थी तो ये मैंने शरारा पहना था। ये उसकी शर्ट है और ये बहुत मज़े का शरारा बना था। और ये मैंने अपनी पसंद से कलर्स, इसके जो शरारे के कलर्स थे वो डिफरेंट थे, वो मल्टी कलर्स में था, दुपट्टा भी ऐसे ही था। और इसका ये जो काम है, ये मुझे बहुत, मैं आपको ये पास से भी दिखाती हूँ, ये ऐसे है, ये बहुत प्यारा काम हुआ था। और ये भी बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन देखिए अभी तक वैसी की वैसी, क्योंकि मैंने ये सिर्फ़ एक दो दफ़ा पहनी थी, मतलब एक दफ़ा तो मैंने अपनी मेहंदी पर पहनी थी और शायद उसके बाद एक दफ़ा मैंने पहनी है। और ये बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल वैसी है। तो इसका शरारा पता नहीं, वो मुझे कहीं अगर मिल जाए तो मैं दोबारा इसको ज़रूर एक दफ़ा पहनूंगी। ये देखें, ये कितना प्यारा काम, आज से 10 साल पहले, मतलब मेरी शादी हुई ये थी। टेंशन मारने के लिए बहुत अच्छा है। देखें, हाँ, मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये कैसी लगी है। अभी वैसे तो मैंने इसको, मुझे पता नहीं है किधर ये पड़ी हुई थी और मुझे मिल गई है। मैंने इसको ऐसे रखा हुआ था, संभाल के ही रखा हुआ था, लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी, मतलब वो संभाल, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम संभाल देते हैं लेकिन हमें खुद ही नहीं याद रहती कि कहाँ पे रख दी हैं। लेकिन आज मैं जब वो चीज़ें रख रही थी तो मुझे ये वहाँ से मिली है और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। वालेकुम गाइस, ये देखें जी, ये दुल्हन, ये मैंने सोचा कि आज मैं ये चीज़ें कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि अब मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ और कुछ चीज़ें रख रही हूँ वापस। तो ये मुझे अपना लहंगा मिल गया, ये देखें, ये शर्ट मुझे इतनी पसंद है। हाँ, ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे बनवाया था, इसके साथ गोल्ड कलर का लहंगा था और ये शर्ट थी उसकी, और ग्रीन ही दुपट्टा, दुपट्टा भी ऐसे ही, उस पर भी काम हुआ हुआ है और वो भी बहुत मज़े का है। तो ये ऐसे आप देख सकते हैं, ये देखें। तो आरिश, आरिश थक गया आप? वो था क्या, इतना भारी है। आरिश कह रही है बहुत भारी है। तो ये आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है? ओहो, ये कैसी दुल्हन है ये, इसके साथ दुपट्टा दिखाए ना, दुपट्टा तो दिखाए वो यार। यार और मुझे दूल्हा जी बना दिया नहीं है, नहीं आप दुल्हन नहीं है, चले इसको ऐसे हाथ में पकड़े, ऐसे 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 ऐसे, ये दिखाए, संभालने नहीं ये हो है जी रहा। उसके साथ ये दुपट्टा। तो ये भी ऐसे है, इसका फ्रंट है और इस तरह से। वालेकुम जी, तो आज है नेक्स्ट डे, कल मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, मैं रात में आपको बता रही थी कि मैं कैसे कपड़े सर्दियों के जो है वो निकाल रही हूँ, गर्मियों के रख रही हूँ। तो वो इतना लंबा काम था कि वो मैं 1 घंटा मैंने किया, फिर मैं थक गई। अभी सुबह से काफ़ी मतलब लेज़ी लेज़ी थे, फिर अभी दिल कर रहा था कि आज चावल खाएं और मटर वाले चावल हों, तो मैंने सोचा वो बनाते हैं। अभी मैं वो बना रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी जब ये बन चुकेंगे ना, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कैसे बना। चावल मेरे बहुत फेवरेट हैं, मैं जिस तरह के भी चावल हों खा लेती हूँ, चाहे उसमें मटर हों, चाहे गोश्त हो, चाहे आलू हों, चाहे बस ऐसे ही बने हुए हों, कुछ भी ना हो तो भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर ये कैसे बने। ये देखिए जी, घर का जो फ्रूट हो ना, तो फिर क्या ही बात है, पर हमारे हिस्से में ये कम ही आता है, क्योंकि जो आता है ना वो उतार के ले जाता है। तो मुझे बहुत गु़स्सा आता है, मैं कहती हूँ कि मतलब इनको बस ऐसी खूबसूरती के लिए लगा रहने दो, जब सही पक जाए ना तो चलो फिर तब खा लें, लेकिन जब भी कोई आता है
स्पेशली जो सैफी साहब है ना, वो तो जैसे ही देखते हैं, मेरे मामू हैं, मामू रियाज, उनका यही काम है। तो इस दफ़ा इसके साथ बहुत कम फ्रूट आया, मतलब इतना कम नहीं आता। तो पता नहीं क्यों इस दफ़ा, हालांकि इसके साथ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस दफ़ा बहुत कम है। चलें जी, और ये मेरे दादा अबू देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है, ये देखें कैसे देख रहे हैं मुझे, और अभी ये मुझसे पूछेंगे कि तुम क्या कर रही हो। बहुत हैरान है, मैं देखती हूँ कितनी देर तक सवाल आता है इनकी तरफ। कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे दादा अबू जो है ना, इनको मसला हो गया कान का, और अब ये फिर से इन्होंने ऊंचा सुनना शुरू कर दिया, और फिर हमारी सख्ती आ जाती है, इतना ऊंचा बोल बोल के भी इनको आवाज़ नहीं जाती, और फिर वो गुस्सा करते हैं कि आप हमें जवाब नहीं देते। तो ये सीन है। ये चावल हो गए हैं रेडी, ये मैंने प्लेट में निकाल लिए, अभी हम लोग खाएँगे, और उम्मीद है कि अच्छे बने होंगे। हेलो गाइस, कैसे आप सब? अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? तो आज मैं आपको नात पढ़कर मैं सुनाऊंगी, और फिर आपको दुआ सुनाऊंगी, और फिर आपको मैं अच्छी से नात सुनाऊंगी। तो आज पहले मैं आपको दुआ सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी अदाना मुस्काना वजालना मिन मुस्तलीम मिन मुस्लिमीन। ये क्या, ये कौन सी दुआ सुनाई है आपने? बात की, बात की, खाना खाने के बाद की दुआ। हाँ, खाना खाने से पहले की दुआ कौन सी है? वो है बिस्मिल्लाह बारा बारा के दिल्ला। बिस्मिल्लाह वाला, बिस्मिल्लाह बारा बारा के दिल्ला, वाला वाला बारा का दिल्ला। और अब कलमा सुनाए। पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश। और दूसरा कलमा? दूसरा करना शहादत, शहादत मैंने गवाही देना, अशहदु अन्ना अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु। शाबाश। तीसरा कलमा आता है अभी, वो आपको कारी साहब ने नहीं याद करवाया? नहीं, वो नहीं याद करवाया, नहीं याद करवाया आपने। चलो ठीक हो गया। और नात भी सुनाए ना। ठीक है। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو پتا کہ کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا चुप चुप के पड़ती थी। आगे आगे बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाके खुदा, दिल ये उम्र का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी। ये दुपट्टा लेना भूल गई थी, तो अभी हुई है, दोबारा से नाम सुनाएंगे। चले अब नाम सुनाएं। है सभी रबी जल्ला माफी कलबी है नूर मुहम्मद सल्ले सल्ला इला अपनी बहन से बोले उमर ये तो पता के क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुप चुप के भरती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाके खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा जो कहते हैं कि चोरी चोरी। यार मुझे सीधा बता दो आपका फेवरेट लीडर कौन सा है अभी, जो जितने भी चल रहे हैं उनमें से? इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। जिंदाबाद। इमरान खान आपके फेवरेट लीडर है? यस यस। आपको उनकी कौन सी बात अच्छी लगती है? कोई भी कहते हैं, कोई भी बात कहते हैं।
बस वो ये ना कहे चोर है चोर है चोर है, ये तो ना कहे ना, ये तो ना कहे बिठा कर लेते भैया को जलसा करना भी है तो पहले वहाँ को तो तैयार करे। हाँ, पहले वहाँ को तैयार करे फिर उनको बुलाए जब वो फ्री होए। हाँ, उनको बस यही कहे कि जो बंदा फ्री है वो आ जाए और जो बंदा नहीं फ्री बिजी है तो जाए इसको जा भी जाए। आवाम ही फ्री है ना, पूरी आवाम फ्री है, काम काम ना काज दुश्मन नाज कोई काम नहीं करती, यहाँ घूमने चले जाते लोग पैसा। आज मैंने इसे इनकी सफाई की थी सैटरडे संडे को, फिर मैं जरा अभी सफाई की थी और गल पर गई वो देखो। नहीं वो है रहा, मैं वहाँ से साफ कर लूँगी, है वो मैं भी साफ करूँगा। ये है जी अमरूद का पौधा है, ये इसके साथ अमरूद लगे हुए हैं और ये सारा एक साइड पे झुक गया था, फिर हमने इसको ना सीधा करने की है। बहुत लग रहे हैं अमरूद लगे हुए यार, इतने ज्यादा जा जा पकड़ के लेके आ, कच्चे हैं ना अभी, क्या करने लगे हो? मैं अमरूद काटने लगा हूं, मैं लेके आता हूं। नहीं वो अभी कच्चे हैं, अभी जब पकेंगे तो फिर उसके बाद अगली सर्दियों में। नहीं अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं ना, तो ये बस दो तीन महीने में हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बोले शाले, अस्सलाम वालेकुम, ऊपर देखें चले, अब इधर खड़ी होना, नीचे उतरे झूले से दिखाएं ना मेहंदी जो आप हमें दिखाने के लिए आई हैं, ऐसे करें दोनों हाथ ऐसे करके दिखाएं। वाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है, कहाँ से लगवाई है? ये ब्यूटी पार्लर से लगवाई। ब्यूटी पार्लर से? अच्छा वाह बहुत नाइस लगी है यार। ये मेरी फ्रेंड है। आप क्या खा रही हैं? तो एप्पल शेयर करें ना शाले के साथ भी, बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है। शाले जो है बेस्ट फ्रेंड है यार, कोई किसी फंक्शन पे लगाते हैं, कोई मौका होता है तो लगाते हैं ना, शादी का मौका है। हाँ जब होगी तो फिर लगा लेंगे। चले जी आप दोनों एप्पल शेयर करें जल्दी करने से। बटरफ्लाई आपको पता है मुझे क्या पसंद है? हैंडबैग। हैंडबैग पसंद है लेकिन मुझे बटरफ्लाईज भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे फेवरेट हैं। और खुशे भी। ओहो उड़िया को तो सारी मेरी पसंद ना पसंद का पता, सारी बता देगी, सारी से यूट्यूब फैमिली के आगे ला देगी। अच्छा चलिए जी अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं सबको, आज व्लॉग में यहाँ पे एंड कर रही हूँ। हुरिया थोड़ी देर की सो गई थी, ये देखिए अभी सो के उठी, इसकी क्या हालत हुई है? नहीं नहीं सो गई, उठ के दो घंटे सो रही है। हाँ दो घंटे तकरीबन सोई है आराम से, तब मैंने सारा अपना काम ख़त्म कर लिया है, शुक्र है कि जो मैंने काम करने थे वो सारे हो गए। और तो मैंने मम्मा ने मैंने वो काम तो मैं जब मम्मा बाहर बैठी थी ना तो मेरे फटाफट ऐसे लिए आगे पीछे जाना। हाँ, आज आरिश ने भी मेरी हेल्प की, थैंक यू आरिश। और सबको अल्लाह हाफिज़ बोल दें और सबको ये बोल दें कि हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़। अच्छा घंटी बजाएं हुरिया का मैसेज के साथ ही होता है। ओके जी थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।